नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर क्यों। मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव, बीजेपी के झूठ से बचो, इनके झूठ प्रचार से बचो, देश की ओर और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की दो सरकारी है, एक दिल्ली की दूसरी यूपी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हमें लगता है कि डबल इंजन की सरकार के दोनों ड्राइवर भाग गए हैं। डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा और ना ही विकास करना चाहते हैं। बीजेपी पॉलिटिकल आउटफिट है और आरएसएस की जैसे प्रकोष्ठ होता है, आरएसएस का प्रकोष्ठ है बीजेपी, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है। असली मुद्दे है विकास के, बेरोजगारी के, रोजगार के, राष्ट्र संपत्ति बेची जा रही है। कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि है, जो लोग यह दावा करते हैं झूठ का, आज उनकी पोल खुल गई है। भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर कहा कि सम्मेलन कर रहे या तो झूठे सम्मेलन है, असली मुद्दों के सम्मेलन नहीं करेंगे या बताएं इनके संकल्प पत्र का कौन सा काम पूरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था, पहले पन्ने पर लिखा है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे और दूसरे पन्ने पर लिखा है उत्तर प्रदेश में डेयरी को लेकर के नई योजना बनाएंगे, जिससे डेयरी को बढ़ावा दे सके और ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों पन्ने फाड़ दिए, अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया है, इसलिए चुनाव से पहले अलग अलग मुद्दे उठा रही है। उत्तर प्रदेश तब ठीक हो जाएगा जब ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हट जाएगी। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के हटने के बाद सब चीजों में सुधार आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नाराज है केंद्र सरकार से, कह रहा हमारे फैसले का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमें और समय समय पर कोर्ट भी निर्देश देते हैं सरकार को, मुझे उम्मीद है कि सरकार उन निर्देशों का पालन करेगी। किस फसल की आय दोगुनी हो गई? आज नौजवान के सामने नौकरी रोजगार नहीं है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई दोगुनी हो गई, कानून व्यवस्था चौपट है। उत्तर प्रदेश को विकास की गति में जाना था, विकास रुक गया है, इसलिए ये जनता मिल करके इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।